हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट आई एम योर होस्ट शशि लेट लेटेस्ट स्टार्ट टूडेज डिस्कशन इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल कब फॉर्म हुई थी तो ये सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशन पर इम्प्लीमेंट की गई थी बाई जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाई वी सिंह ओके okay, वी सिंह के द्वारा इसको हेड किया गया था और ये बनाया गया था नाइनटीन में आंसर इज डी विच आर्टिकल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनामरेट द रेसि रेसिडरी पावर ऑफ लेजिस तो लेजिस पावर की बात कर रही है किस आर्टिकल में है तो ये आर्टिकल है आर्टिकल टू फोर्टी एट हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है लिस्ट वो है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकर लिस्ट इन तीनों लिस्ट में जो चीज़ें शामिल नहीं हैं उसको रेसिड्यूरी पावर में शामिल कर दिया गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत कौन सा आर्टिकल प्रोमोट करता है विज पंत पंचायत के फॉर्मेशन को ये आर्टिकल है आर्टिकल फोर्टी और आर्टिकल फोर्टी किसके अंतर्गत आता है डी पी एस पी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है और इसमें फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात होती है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंज इन नेम ऑफ स्टेट नीड्स अमेंडमेंट इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्कीड्यूल किसी न्यू स्टेट की क्रिएशन करनी है या उसका नाम चेंज करना है तो कौन से स्कड्यूल में अमेंडमेंट uh, होगा तो ये अमेंडमेंट होगा फर्स्ट में आंसर इज ए विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ नो लेजिस्टिव काउंसिल कौन सा है जिसमें लेजिस्टिव काउंसिल नहीं है तो हमारे इंडिया में सिक्स स्टेट हैं जहाँ पे लेजिलेटिव काउंसिल है एक है आंध्र प्रदेश देन बिहार फिर उसके बाद कर्नाटका महाराष्ट्र महाराष्ट्र तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश ये छह राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो कहाँ पे नहीं है ये वेस्ट बंगाल में नहीं है प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू इन द इंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर तो नेशनल इमरजेंसी लगेगा किस आधार पर तो ये एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन के आधार पर लगेगा सो द आंसर इज डी बोथ वन एंड टू विच आर्टिकल कैन बी यूज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल एनर्ज इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगानी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाएगा तो आर्टिकल है ये आर्टिकल 360 हमारे इंडिया में अब तक तीन बार नेशनल इमरजेंसी लगी है लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक एक भी बार नहीं लगी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट डिफेंडर गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया अल्टीमेट डिफेंडर फंडामेंटल राइट कौन है ये हैं सुप्रीम कोर्ट और ये आर्टिकल थर्टी टू के अंतर्गत ये हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा करते हैं फॉलोइंग फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेवर सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पद पर इन्होंने सर्व नहीं किया है लेकिन प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो ये हैं कौन डॉक्टर जाकिर हुसैन ये किसी भी स्टेट के सीएम नहीं थे बाकी ये ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के सीएम रह चुके थे ओके पंजाब के सीएम रह चुके थे और नीलम संजीव रेड्डी रह चुके थे आंध्र प्रदेश के सी और शंकर दयाल शर्मा ये रह चुके थे मध्य प्रदेश के सी